नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारा शो भ्रमण कंटिन्यू है। हम लोग बुंडू में हैं और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी स्वरूप भट्टाचार्य जी। स्वरूप भट्टाचार्य जी की इस क्षेत्र में बहुत पकड़ मजबूत है, खासकर राजनीति में। हम स्वरूप भट्टाचार्य जी से जानेंगे, जब लोकसभा चुनाव का आगाज़ हुआ तब का माहौल, जो प्रत्याशियों के लिए जो माहौल रहा, जब प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हो गया, भाजपा की तरफ से अर्जुन मुंडा जी और कांग्रेस की तरफ से कालीचरण मुंडा जी, उसके बाद जब नामांकन हुआ, उसके बाद का माहौल और अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर, फिलहाल क्या माहौल है, शुरू से लेकर अभी तक आप बताइए कितना परिवर्तन हुआ है। जी, खूंटी लोकसभा का तमाड़ विधानसभा बड़ा महत्वपूर्ण और हॉट सीट है। इसी विधानसभा से पिछले 5 साल पहले चुनाव में 86,000 वोट अर्जुन मुंडा को, मैंने भाजपा को मिला था, और कांग्रेस को 44,000 वोट मिला था। तो कांग्रेस की नज़र तमाड़ है। तमाड़ का वोट बैंक अगर टर्नअप हो जाए तो फिर कांग्रेस के लिए आसान होगा, लेकिन पहले की परिदृश्य आज से 15 दिन पहले और अभी बहुत बदलाव हुआ है। आदिवासियों लोगों के बीच में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि अगर मोदी का 400 पार हो जाए सीट तो तुम लोग का संविधान बदल जाएगा। अब संविधान बदल जाएगा तो उनकी मर्जी से सब होगी। तो पूरे तो दुष्प्रचार कौन कर रहा है? असामाजिक लोग हैं, इस तरह के लोग हैं कुछ जो असामाजिक है, जिसको हम लोग नहीं जानते, उसको खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन गांव-गांव में इस तरह का दुष्प्रचार मुंडा लोग को बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत हद तक कड़िया जी, वयोवृद्ध जो नौ बार सांसद रहे, राज्यसभा के लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे खूंटी में ही, वो बेचारे घूम घूम के प्रत्येक इलाका में इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए मुंडा, मानकी, ग्राम प्रधान लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। और भाजपा की सरकार बनेगी तो आपका सारा जो जनजीवन है, आपका जो ऐसा होने वाला है, ये सारा चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा, ये सब दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो इस तरह का है। और हम लोग के जो पत्थलगड़ी समर्थक थे, उसी के मास्टरमाइंड जो हैं बबीता कच्छप, वो भी इस बार चुनाव लड़ रही है। तो जो बबीता कच्छप, जिसने आदिवासियों का राशन लेने मना कर दिए, सर्टिफिकेट जला दिया, आधार कार्ड जला दिया, अपने नहीं जलाया, अपने चुनाव में खड़ी है वोट के लिए, तो ये राजनीति चल रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। जो भाई हम किसको अपना वोट दें, ऐसा तसल बहुत बराबरी का है, लेकिन जीत हार तो बता नहीं सकते, लेकिन बहुत कड़ा तसल है। आप जो शुरुआती दौर में अर्जुन मुंडा जी के लिए जो नाराज़गी थी लोगों के बीच में, क्या अर्जुन मुंडा जी ने अभी उसे पाट लिया है, नाराज़गी दूर हुई है लोगों की? देखिए, ऐसा है, बहुत हद तक तो उन्होंने इसको ठीक ठाक किया है। दूसरी बात क्या है, तमाड़ के एक पूर्व विधायक जो मंत्री भी रहे, गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर, उन्होंने भी समर्थन किया है और लगातार वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं अर्जुन मुंडा के लिए। इसके अलावे भी किस तरीके से लाभ मिलेगा गोपाल कृष्ण पात्र, अगर अर्जुन मुंडा को समर्थन दे रहे हैं तो कैसा, किस तरीके से लाभ मिलेगा? गोपाल कृष्ण पात्र का इस इलाका में, तमाड़ विधानसभा में, एक अपना वोट बैंक है, पार्टी उटी छोड़ के, कोई पार्टी की बात नहीं है, अपना उनका एक ठो है पार्टी है, अपना एक NGO टाइप का है, बिरसा विकास समिति, उसी के बैनर तले ये अपना अर्जुन मुंडा को मदद कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो गोपाल कृष्ण पात्र हैं, जो राजा पीटर हैं, वो शिबू सोरेन जी को हरा दिए थे चुनाव में, जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे तब। तो उनका एक अपना अलग वोट बैंक है, अभी जेल में रहते हुए भी पिछले बार वो फाइट किए थे जिसमें 16,000 वोट आया था, तो ये उनका वोट बैंक है। तो ये अर्जुन मुंडा के लिए प्लस होगा, अर्जुन मुंडा उसमें प्लस कर जाएंगे। पहले उनका समर्थन नहीं था, बाबूलाल जी भी आए थे समर्थन मांगने और उन्होंने निस्वार्थ समर्थन किया, तो इससे भी है। प्लस आजसू का भी तमाड़ विधानसभा गढ़ रहा है, आजसू के विधायक भी बने थे,
जो अभी विधायक हैं वो जेएमएम से विधायक है, लेकिन पहले आजसू से ही थे, तो उनका भी एक अलग पहचान है। सुदेश जी लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं जिससे अर्जुन मुंडा के लिए बेनिफिट होगा, और अब तो और कुछ एक सप्ताह बचा, इसमें और अच्छा हो जाएगा उनके लिए। तो इसके लिए लड़ाई लेकिन बहुत नज़दीकी है, टफ है, कांटे की टक्कर इस बार भी है, टक्कर है जी देहात की। दूसरी बात है, जैसे अभी मंत्रिमंडल में रहते हुए अर्जुन मुंडा जी ने पुरान जाति को आदिवासी की श्रेणी में लाया, तो थोड़ा सा कुर्मी जाति जो है, महतो जाति है, थोड़ा नाराज़ है, लेकिन वक्त आते आते वो सब नाराज़गी भी ठीक हो जाएगी और वोट ठीक ठाक रहेगा। यहाँ जो लोग वोट करेंगे वो लोकल मुद्दा को लेकर करने वाले हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा को लेकर करने वाले हैं? मोदी ही फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में? तमाड़ से एक आवाज़ अभी गूंजी है जो पांच सूत्री एक मांग है हम लोग का, भाई ट्रेन लाइन नहीं है, इसका सर्वे हो चुका है, पैसा का भी आवंटन हो चुका है, ये जल्द से जल्द हो। तमाड़ में एक बड़का तालाब है, उसमें थोड़ा सा प्लांटेशन वगैरह करके थोड़ा अच्छा किया जाए, पर्यटक स्थल तमाड़ में एक दो को बनाया जाए। बुंडू अनुमंडल तो बन गया लेकिन कारगर नहीं है, कोई पोस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सारे चीज़ों के लिए भी वोट बैंक वोटिंग होगी। तो आपने जाना कि फिलहाल खूंटी लोकसभा की क्या स्थिति है। आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।